अगर आपके पास एक पैन कार्ड है, अभी तक आप लोगों ने अपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं किए हैं, तो आज ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसके बाद आपको कोई भी वार्निंग नहीं दी जाएगी गवर्नमेंट की ओर से। पहले यहाँ पर आपको 1000 रुपीज़ का फी भरना पड़ता था, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे फ्रेंड्स ने यहाँ पर अपना पैन कार्ड नहीं लिंक किया था। लेकिन आज आपके लिए गुड न्यूज़ है, यहाँ पर गवर्नमेंट ने फ्री ऑफ कॉस्ट आपको 30 जून तक जो इसकी डेडलाइन दी है, तब तक यहाँ पर आप अपना पैन कार्ड अपने आधार कार्ड के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट लिंक करा सकते हो। आज की वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा किस तरीके से आप अपने आधार कार्ड को अपने पैन कार्ड के साथ लिंक कराओगे, के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा, जिसकी वजह से यहां पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप ये सारा प्रोसेस अपने मोबाइल फोन से भी कर सकते हो। इसके लिए आपको एक वेबसाइट पे आना है, जो कि है incometax.gov.in। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूंगा। यहां पर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। यहां पर सेकंड नंबर पे एक ऑप्शन आ रहा है लिंक आधार स्टेटस, इस पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करोगे तो कुछ बेसिक डिटेल्स यहाँ पर आपको देनी होगी। यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड एंटर करना होगा, जो आपके पैन कार्ड के 10 डिजिट्स हैं वो यहाँ पर आपको एंटर करने होंगे। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर करना होगा 12 डिजिट्स का। यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो व्यू लिंक आधार स्टेटस, इस पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आप देख सकते हो पैन नॉट लिंक्ड विद आधार, प्लीज क्लिक हियर टू लिंक योर आधार कार्ड विद पैन कार्ड। सिंपली आपको किस तरीके से करना होगा, यहाँ पर जो लिंक है लिंक आधार कार्ड, इस पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर फिर से एंटर करना होगा, लेकिन वहां पर अगर आपको पॉपअप आ जाएगा आपका आधार कार्ड आपके पैन कार्ड के साथ लिंक है, तो यहां पर आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। सिंपली आप इस वीडियो को यहां पर स्किप कर सकते हो, लेकिन यहां पर अगर आपका पैन कार्ड आपके आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं है, तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो। जैसे आप अपना पैन नंबर और अपना आधार नंबर यहां पर एंटर करोगे, उसके बाद यहां पर आपको वैलिडेट पे क्लिक करना होगा। वैलिडेट पे क्लिक करने के बाद यहां पर आपके सामने एक पॉपअप आ जाएगा, योर पैन इज एक्सेप्टेड फॉर द आधार पैन लिंकिंग, को कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहां पर आपको वही नेम देना होगा जो आपके आधार कार्ड पे है। अब यहां पर आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना होगा। कॉन्टैक्ट नंबर देने के बाद यहां पर आपको क्लिक करना होगा, यहाँ पर आपको एग्री करना होगा, फिर यहाँ पर आपको लिंक आधार पे क्लिक करना होगा। जैसे आप लिंक आधार पे क्लिक करोगे, जो यहाँ पर आप लोगों ने अभी अपना मोबाइल नंबर दिया है, उस पर एक OTP आएगा 6 डिजिट का, वो यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। OTP एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको वैलिडेट पे क्लिक करना होगा। वैलिडेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो योर पैन आधार लिंक रिक्वेस्ट हैज बीन सेंट, ये 48 आवर्स में यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। और इस तरीके से यहाँ पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपना आधार कार्ड अपने पैन कार्ड के साथ लिंक करा सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।